हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला ओनली वन डेरिवेटिव टर्म इज देयर और उसकी भी डिग्री क्या है, वन। तो इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो की कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सिंपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, वेयर पी इज व्हाट, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और वो कहाँ पे दिखाई देगा आपको, वाई के कोफिशिएंट में। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, इस फॉर्म में लाना है। तो क्या करें, x से डिवाइड कर देते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी जाके तो डिवाइड कर सकते हैं। तो dy वाई बाई डी एक्स प्लस टू बाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, क्या हो जाएगा x। अच्छा, अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, dy वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है टू बाई एक्स वाई, तो यहाँ से क्या आ रहा है, e की वैल्यू आ रही है टू बाई एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें e की वैल्यू पता होनी चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू दी पावर पी डी एक्स, e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू अभी हमने निकाली टू बाई एक्स डी एक्स। अच्छा, e टू तो कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन एक्स डी एक्स, e टू दी पावर टू या तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है, ये होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम नहीं काउंट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। अच्छा, ये लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ये टू जो लॉग के आगे मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा, लॉग का जो भी आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर मॉड एक्स उसकी पावर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, अच्छा मॉड एक्स का स्क्वायर करो या फिर एक्स का स्क्वायर करो, दोनों पॉजिटिव ही आते हैं तो मैंने मॉड हटा दिया, ठीक है। अच्छा, ई टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर, अच्छा इस लॉग का बेस क्या है, इस लॉग का बेस भी ई ही है। तो आप चेक करो, अगेन एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है लॉग की, कौन सी वाली, ये वाली, ए टू द पावर लॉग एक्स बेस ए। तो जो नंबर है पूरा नंबर इसका बेस भी ए है और लॉग का बेस भी ए है, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स को। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, एक्स को। चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा है हमारा, अगेन ऑप्शन ए इज अवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।